एक बार की बात है, एक राजा हुआ करता था और उसके तीन बेटे थे जिन्होंने हर कला सीखी थी और बेहद होनहार थे। राजा तीनों को बराबर प्यार करता था। एक बार राजा सोचने लगा कि उसे अपने शासन के बाद किसको राज सिंहासन पर बैठाना चाहिए, लेकिन उसे ये तय करने के लिए कोई उपाय नहीं सूझा। एक दिन राजा ने तीनों पुत्रों को बुलाया और उनसे कहा, मेरे प्रिय राजकुमारों, मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, मुझे अब आराम की जरूरत है। इसीलिए मैंने तय किया है कि तुम में से जो भी दुनिया की सबसे मूल्यवान और अद्भुत चीजें मुझे लाकर देगा, मैं उसे राजा बनाऊंगा। ये सुनकर राजकुमार खुश हुए और उन्होंने हाँ में सर हिलाया। अगले दिन तीनों राजकुमार जरूरत के मुताबिक धन लेकर अपने घोड़ों पर सवार महल से निकल गए। तीनों राजकुमारों ने तय किया कि वे एक निश्चित जगह पर 3 महीने बाद मिलेंगे और तीनों अलग अलग दिशाओं में चले गए। एक लंबे सफर के बाद बड़ा राजकुमार गौरीपुर पहुंचा। उसने उस गांव में एक कमरा किराए पर लिया और फिर वहां की अद्भुत चीजें देखने निकल पड़ा। रास्ते में उसने एक आदमी को खूबसूरत कालीन बेचते देखा। क्यों भाई, इस कालीन की खासियत क्या है और इसकी कीमत भी बताओ। अगर तुम इस कालीन पर बैठो तो यह तुम्हें मिनटों में कहीं भी ले जा सकता है। इसकी कीमत 1000 सिक्के है। बड़े राजकुमार ने उसे 1000 सिक्के देकर वो कालीन खरीद लिया। इस दुनिया में इस कालीन से अद्भुत और कुछ नहीं हो सकता। मेरे पिता का राज्य मुझे ही मिलेगा। इस तरह सोचते हुए राजकुमार घर लौटने लगा। दूसरी ओर कुछ दिन के सफर के बाद दूसरा राजकुमार श्रीपुर पहुंचा। वो भी उस गांव की अद्भुत चीजें देखने निकला। रास्ते में उसे एक आदमी एक अनोखा दर्पण बेचता दिखा। क्यों भाई, इस दर्पण की विशेषता क्या है? तो दर्पण बेचने वाले ने कहा, अगर तुम किसी बहुत दूर रहने वाले के बारे में सोचोगे और फिर इस दर्पण में देखोगे तो तुम उस व्यक्ति को इसमें साफ देख पाओगे। दूसरे राजकुमार को लगा कि इस दर्पण से अद्भुत इस दुनिया में और कुछ नहीं हो सकता। ये सोचकर कि अब तो पिता का राज्य उसे ही मिलेगा, उसने वो दर्पण 2000 सिक्कों में खरीद लिया और उत्साहपूर्वक घर लौटने लगा। तीसरा राजकुमार कई जंगल और समुद्र पार करके चित्रपुर नगर पहुंचा। उसने वहां एक कमरा किराए पर लिया और उस नगर की अद्भुत चीजें देखने निकला। रास्ते में एक आदमी बहुत सुंदर सुनहरा कमल का फूल बेच रहा था, लेकिन उसे उस अनोखे फूल की सही कीमत देने वाला कोई नहीं मिल रहा था। सुनो, इस कमल के फूल की खासियत बता दो। तो फूल बेचने वाला बोला, महोदय, ये फूल कभी नहीं सूखेगा और जब भी कोई इसकी खुशबू सूंघेगा तो उसकी किसी भी तरह की बीमारी तुरंत दूर हो जाएगी और वो एकदम स्वस्थ हो जाएगा। तो फौरन तीसरे राजकुमार ने उस आदमी को 3000 सिक्के दिए और उससे वो कमल का फूल ले लिया। और उसे पूरा भरोसा था कि उस फूल से ज्यादा अद्भुत इस दुनिया में और कुछ नहीं हो सकता। ये सोचते हुए वो वापस लौटने लगा। तीनों राजकुमार पहले से निश्चित जगह पर आकर मिले। फिर तीनों आपस में बहस करने लगे, मेरी चीज ज्यादा अद्भुत है, नहीं मेरी चीज ज्यादा अद्भुत है। आखिरकार दूसरा राजकुमार बोला, इस तरह आपस में बहस करना ठीक नहीं है। मेरे पास एक दर्पण है, चलो एक बार इसमें देखकर पिताजी का हालचाल पता करते हैं। फिर तीनों राजकुमारों ने मन ही मन अपने पिता को याद किया और दर्पण में देखा। दर्पण में देखा तो राजा राजकुमारों के ना होने से उन्हें याद कर करके बीमार पड़ गया था। तुरंत तीनों राजकुमार बड़े राजकुमार ने जो कालीन खरीदा था उस पर बैठकर राजा के पास आ गए। और फिर महल पहुंचकर बिना समय गवाए तीसरे राजकुमार ने अपने पिता की नाक के समीप उस कमल के फूल को रखा। उस फूल को सूंघते ही तुरंत राजा एकदम स्वस्थ हो गया। सब हैरान थे और खुश भी, सब कुछ बढ़िया था। लेकिन राजा को निर्णय लेना था। तीनों राजकुमार द्वारा लाई गई चीजें बहुमूल्य और अद्भुत थीं। वो तीन चीजें अद्भुत तो थीं ही, उनका इस तरह मिलना भी दुर्लभ था। राजा के लिए फैसला लेना बड़ा कठिन हो रहा था कि कौन से एक बाकी दो से बेहतर हैं। उन तीनों चीजों ने मिलकर उसकी जान बचाई थी। राजा की मौत हो सकती थी अगर उनमें से एक भी चीज साथ ना होती। आखिरकार राजा ने राज्य को 3 हिस्सों में बांटने का निर्णय लिया और तीनों राजकुमारों को एक एक हिस्सा सौंप दिया।
फिर राजा ने अपना बाकी जीवन ईश्वर की आराधना में गुजारा।